और सुरेंद्र यादव जो मुबारकपुर का है, इसकी गिरफ्तारी आज रात्रि में इसके एक साथी पिंटू यादव के साथ सुनिश्चित की गई है और एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हुई है। ये यहाँ से बाहर भागने के बॉम्बे जाने की फिराक में थे। पुलिस टीम ने इनकी गिरफ्तारी की है और इनको न्यायालय में हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं और रिमांड पर लेकर इनको आगे भी हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस बीच में जिस तरह से धमकी देने वाली प्रकरण आया और 50,000 का इनामिया भी रहा, तो एक पुलिस के लिए तो अच्छी पहल है, अच्छी एक तरह की कामयाबी है, लेकिन कुल मिला के इसका खेल क्या रहा था? बेसिकली आपको प्रश्न नोट अभी डिटेल दिया गया है। जिले में 10 साल से सीरे का काम हो रहा है और सीरे की शराब की पाउच बनती है, उसकी पूरी डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई इसके द्वारा की जा रही है और जो धमकी देने का मामला था, उस धमकी देने के कारण ही इसका डिटेल हम लोग को पता चला और उसी आधार पर हमारी टीमें और त्वरित रूप से इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर सकी। आजमगढ़ पुलिस ने इसको चैलेंज के रूप में लिया था और उस चैलेंज को ठीक तरीके से यहाँ की पुलिस ने जवाब दिया है। इसको हम लोग जेल भेज रहे हैं और इस पर अन्य कार्रवाई भी विधिक हम लोग सुनिश्चित करेंगे और इस पर DGP महोदय द्वारा 50,000 रुपये का पुरस्कार आजमगढ़ पुलिस को दिया गया है और उसकी घोषणा उन्होंने की है, तो ये भी मैं आपको इस माध्यम से बताऊँगा।